ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है कर्म और कर्म का विधान एवं कर्म सिद्धांत, पार्ट 3। जमा का खाता, दुआओं का खाता, शुभ कर्मों का खाता, यह सब प्रायः एक ही शुभ कर्मों के खाते के पर्यायवाची है। शुभ कर्मों से आत्माओं को सुख मिलता है, जिससे अन्य आत्माओं से दुआएं मिलती है और उनके साथ शुभ कर्मों का श्रेष्ठ फल जमा होता है, जो भविष्य में आत्मा को प्राप्त होता है। खाता कम होना, अभिशाप, विकर्म एक ही अशुभ कर्मों के पर्यायवाची है। अशुभ कर्मों से अन्य आत्माओं को दुख होता है, जिसका परिणाम हमारे लिए दुख का खाता संचित होता है या श्रेष्ठ फल का खाता कम होता है। हमारे हर संकल्प श्वास का हमारे जीवन की सफलता असफलता में योगदान है। इसका यथार्थ ज्ञान होगा और उसका अनुभव और निश्चय होगा, तब हम उनको व्यर्थ से बचाकर सफल कर अपना खाता जमा कर सकेंगे। हमारे लिए दूसरों को जो समय संकल्प शक्ति लगती है, वो हमारे जमा के खाते को कम करती है और उनका हमारे साथ कर्म बंधन का हिसाब किताब बनता है, तथा हम अपना समय संकल्प शक्ति दूसरों के कल्याणार्थ लगाते हैं, वह हमारे जमा के खाते को बढ़ाती है और यदि अकल्याणार्थ प्रयोग करते हैं तो खाते को कम करती है। जिन संकल्पों और कर्मों का इसके विपरीत प्रभाव होता या साधन संपत्ति का उपयोग करते, उपभोग करते, उससे खाता कम होता है और परिणाम स्वरूप हम दुख अशांति की ओर अग्रेसर होते हैं। किसी के पतन में खुश होना भी पाप कर्म है, जो आत्मा का पुण्य का जमा का खाता खत्म कर देता है। घृणा भी पाप कर्म है, जो भी आत्मा पुण्य का खाता खत्म कर देता है परंतु अपने हित के लिए नियम संयम रखना हमारा कर्तव्य है। कर्मयोगी के आगे कोई कैसा भी आ जाए, लेकिन वह स्वयं सदा न्यारा और प्यारा रहेगा। नॉलेज द्वारा जानेगा कि इसका यह पार्ट चल रहा है। घृणा वाले से स्वयं भी घृणा कर ले, यह हुआ कर्म का बंधन। ऐसा कर्म के बंधन में आने वाला एकरस नहीं रह सकता। इसलिए अच्छे को अच्छा समझकर साक्षी होकर देखो और बुरे को रहम दिल बन रहम की निगाह से परिवर्तन करने की शुभ भावना से साक्षी होकर देखो। किसी पाप कर्म या पुण्य कर्म के फल का निर्णय उसके प्रभाव के दृष्टिकोण पर निर्भर करता है, अर्थात उस कर्म से कितनों को लाभ या हानि हुई। यदि बाप का बनकर विकार में जाते तो हमारे अनेक प्रकार से विकर्म बनते हैं और हमारा अनेक गुना पाप का खाता बढ़ता है या पुण्य का खाता कम होता है। तथा एक, बाप का नाम बदनाम करते। दूसरा, ब्राह्मण कुल को बदनाम करते। तीसरा, अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ते। चौथा है, ज्ञान को बदनाम करते। पांचवा, वातावरण को दूषित करते। और छठा, अन्य आत्माओं के लिए विघ्न रूप बनते, आदि आदि। जबकि साधारण व्यक्ति विकार में जाता तो उसका ऐसा प्रभाव नहीं होता, क्योंकि उसका वह स्वाभाविक जीवन है, मर्यादा है। इसलिए उनके इस कर्म का इतना पाप कर्म नहीं होता जितना ब्राह्मण आत्माओं का होगा। किसी की वस्तु को देखकर लालायित होना ये भिकारीपन है और अपना जमा का खाता कम करना है। इससे ज्ञान का और बाप की भी निंदा कराते हैं। जीवात्मा अपना आप ही मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। इस सत्य को जानकर सदा निर्भय निश्चिंत होकर श्रेष्ठ कर्म करना हर आत्मा का कर्तव्य है। प्रकृति और व्यक्ति से हर आत्मा को कर्मानुसार फल अवश्य मिलता है, उसके विषय में सोचने का कोई स्थान नहीं है। दूसरे के दुख को भी अपने दुख के समान अनुभव करो तो किसको दुख देने का संकल्प नहीं आएगा और सबको सुख दे सकेंगे। सुख देंगे तो सुख पाएंगे।
हमको अपने संकल्प के महत्व का अनुभव और निश्चय होना चाहिए। हमारा हर संकल्प विश्व के नवनिर्माण में सहयोगी भी है तो विघ्न रूप भी है। हमारे संकल्प के आधार पर ही हमारे भाग्य का निर्माण होता है। हमारे संकल्प से हमारा खाता जमा भी होता है तो ना भी होता है। खाता जमा होना या आत्मिक शक्ति के संचय होने की पहचान है कि उस आत्मा में सेकेंड में देह से न्यारा होने या संकल्प को जहाँ चाहे वहाँ वैसे ही रोकने की शक्ति होगी। कोई भी बात संकल्प को खींचे नहीं, जिससे सहज योग की सिद्धि होगी। कोशिश करते हैं हम राजाई पद पाए, परंतु अगर खिसक पड़ते हैं तो प्रजा में अच्छा पद पाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। वह भी तब ऊंच पद हुआ ना। यहाँ रहने वालों से बाहर रहने वाले बहुत ऊंचा पद पा सकते हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहने वालों को इतने माया के तूफान नहीं आते हैं। यहाँ वालों को तूफान बहुत आते हैं। हिम्मत करते हैं, हम शिव बाबा की शरण में बैठे हैं, परंतु संग दोष में पड़ते नहीं हैं। हमारे जीवन में जो भी दुख दर्द है वह हमारे ही पूर्व कर्मों का परिणाम है। हम उसको भोग कर खत्म कर सकते हैं या अपने सुकर्मों के द्वारा उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। बाप की याद सबसे श्रेष्ठ सुकर्म है और सर्वश्रेष्ठ कर्मों का आधार है। दुनिया में अनेक समय अबोध बच्चों से भी ऐसे कुकृत्य पाप कर्म होते हैं जिनका दंड तो बड़ा होता है, परंतु अबोध समझ सोचते हैं कि इनको दंड नहीं मिलना चाहिए। परंतु उनकी इस अबोध जीवन और कर्मों का संबंध उनके पूर्व युवावृद्ध जीवन से है। इसलिए परमपिता परमात्मा और प्रकृति या कहे कि धर्मराज से वे भी अपने कुकृत्य के परिणाम से बच नहीं सकते। उनको उसकी भोगना अवश्य भोगनी होगी। हर एक योनि की आत्मा कर्म करती है और उसके कर्मों का संबंध उसी योनि की आत्माओं से या उसकी समकक्ष योनियों की आत्माओं या प्रजातियों से होता है और उसके आधार पर ही उनके कर्मों के फल का निर्णय होता है। अपने कर्मों पर विश्वास रखकर मनुष्य को सतत श्रेष्ठ कर्म करके अपना श्रेष्ठ कर्मों का खाता जमा करते रहना चाहिए। श्रेष्ठ कर्मों का फल ही आत्मा का सच्चा साथी है, जो आत्मा को भविष्य की चिंता से मुक्त करता है। बिना जाने किसी बात पर निर्णय देना भी मनुष्य के श्रेष्ठ कर्मों के खाते को कम करता है। यदि निर्णय गलत होता है तो उससे मनुष्य का पाप कर्म बढ़ जाता है। श्रेष्ठ कर्मों के जमा का खाता आत्मा को निर्भय और निश्चिंत करता है। प्रभु स्मृति और ईश्वरीय सेवा सबसे श्रेष्ठ कर्म है, जिससे श्रेष्ठ कर्म का खाता सबसे अधिक जमा होता है। इस सत्य को जानकर प्रभु स्मृति और ईश्वरीय सेवा में निमग्न रहना ही वर्तमान जीवन की सफलता है और भविष्य जीवन की सफलता का आधार है। कर्मण्येवाधि का रस्ते मा फलेषु कदाचन। हर कर्म का फल निश्चित ही मिलता है, उसके विषय में सोचने करने की भी आवश्यकता नहीं है। इसलिए मनुष्य को सदा ही श्रेष्ठ कर्मों में प्रवृत्त रहना चाहिए। मैं तो सभी का दुख हरता सुख करता हूँ। अज्ञान काल में मनुष्य समझते हैं कि भगवान ही सुख दुख देते हैं, परंतु बाप ईश्वरीय धंधा नहीं करते हैं। यह तो कर्मों के अनुसार बना हुआ ड्रामा है। जो जैसा कर्म करता है वैसा फल पाता है। उनसे भी जास्ती पापात्मा वह है जो यहाँ आकर मेरा बनकर मुझे फारकती दे देते हैं, मेरी निंदा कराते हैं। उनके लिए फिर ट्रिब्यूनल बैठती है, प्रतिज्ञा कर फिर डिससर्विस करेंगे तो कड़ी सजा मिलेगी। इस कर्म क्षेत्र पर कर्म प्रधान है। कर्म के अनुसार फल इस सृष्टि का विधान है। इसलिए विभिन्न विद्वानों ने इसके विषय में अनेक प्रकार से वर्णन किया है। तुलसी एतन खेत है, मनसा भया किसान। पाप पुण्य दो बीज है, जो जस बोवे सो तस लुने निदान। कर्मण्येवाधि का रस्ते मा फलेषु कदाचन। जीवात्मा अपना आप ही मित्र है और आप ही अपना शत्रु है।
अध्यात्म मार्ग और सत्य पथ के पथिक ज्ञानी पुरुष को कभी इस सत्य को भूलना नहीं चाहिए कि यह सृष्टि सत्य न्यायपूर्ण कल्याणकारी अनादि अविनाशी नाटक है जो कल्प कल्प पुनरावृत्त होता है। इस नाटक में हम कोई भी कर्म करते संकल्प करते उसको कोई देखे न देखे जाने न जाने परंतु परमात्मा और प्रकृति उसको जानती ही है और सृष्टि के नियमानुसार प्रकृति द्वारा उसको उसका फल अवश्य मिलता ही है। इस सत्य को जानकर अनुभव कर निश्चय कर मनुष्य को कब अपने सत्य पथ से कभी विचलित नहीं होना चाहिए। किसी भी आत्मा के प्रति चाहे वह अहितकर कार्य करने वाली क्यों न हो शत्रुता का व्यवहार करने वाली क्यों न हो परंतु उसके प्रति भी अशुभ सोचना अकल्याण का संकल्प करना भी ज्ञानी आत्मा के लिए विकर्म है और उसका फल कर्ता को भोगना ही पड़ता है। इस विश्व नाटक के अनादि अविनाशी नोंद को समझते हुए सर्व के प्रति शुभ और कल्याण की भावना रखना ही ज्ञानी आत्माओं का लक्षण है। ज्ञानी आत्मा अकल्याण का संकल्प करने से 3 गुना पाप के भागी बनते हैं। एक ईश्वर आज्ञा का उल्लंघन करने का, दूसरा ज्ञानी होकर ज्ञान का अपमान करने का और कर्म का सिद्धांत उल्लंघन करने का। कब किसी के पतन में खुश नहीं होना चाहिए। दुश्मन के पतन में भी खुश होने से आत्मा पर पाप चढ़ जाता है क्योंकि ज्ञानी पुरुष का कोई दुश्मन हो ही नहीं सकता। सभी आत्माएं परमात्मा की संतान हमारे प्रिय भाई हैं और हम सभी इस विश्व नाटक के पार्टधारी हैं जो अपना अपना पूर्व निश्चित पार्ट बजा रहे हैं। सिर्फ लकीर के ऊपर लकीर खींच रहे हो। ड्रामा की लकीर खींची हुई है, नई लकीर नहीं खींच रहे हो। जो सोचो कि पता नहीं सीधी होगी या नहीं। कल्प कल्प की बनी हुई प्रारब्ध को सिर पर बनाते हो क्योंकि कर्मों के फल का हिसाब है। यह है अटल निश्चय। हर कर्म में श्रेष्ठ और सफल रहना इसको कहते हैं नॉलेजफुल। शरीर की भी नॉलेज और आत्मा की भी नॉलेज, दोनों नॉलेज हर कर्म में चाहिए। दे अभिमानी बनने से सत्यानाश हो जाती है। बाहर में जो प्रजा बनने वाले हैं उनसे भी गिर पड़ेंगे, प्रजा में भी सौकर बनेंगे, उनको भी नौकर चाकर मिलेंगे। ये तो और ही जाकर नौकर चाकर बनते हैं। समझ में आता है कि जो बच्चे नहीं बनते हैं सिर्फ मददगार बनते हैं तो भी अच्छे धनवान बन जाते हैं, उनको नौकरी करने की दरकार नहीं रहती। यह है कयामत का समय। सभी का पुराना हिसाब किताब चुक तो होना है और नया जन्म होना है। चोपड़ा होता है धन का या फिर चोपड़ा है कर्मों के खाते का, आधा कल्प का खाता है। मनुष्य जो पाप कर्म करते हैं वह खाता चलता आया है। कई बच्चे समझते हैं यह सब चल रहा है, कौन देखता है कौन जानता है, चल रहे हैं चलता है ही नहीं, जमा होता जाता है, दुगुना तिगुना जमा होता जाता है। हद की बातों के पीछे आप नहीं दौड़ो तो बेहद की वृत्ति स्वमान की स्थिति आपके पीछे दौड़ेगी। भविष्य की चिंता से सुंदर और सुखमय भविष्य का निर्माण नहीं होता है, परंतु जो भविष्य की चिंता को छोड़कर वर्तमान में श्रेष्ठ कर्मों में प्रवृत्त रहता है उसका भविष्य सुंदर और सुखमय बनता है क्योंकि फल कर्म का होता है चिंता का नहीं। वर्तमान के कर्म ही भविष्य के निर्माता है। अगर कमजोरी नहीं तो समस्या का वार हो ही नहीं सकता। जैसे मुख्य बात पवित्रता के लिए दृढ़ संकल्प किया है ना कि मर जाएंगे सहन करेंगे लेकिन इस व्रत को कायम रखेंगे। स्वप्न में व संकल्प में भी अगर जरा भी हलचल होती है तो पाप समझते हो ना। ऐसे समस्या स्वरूप बनना या समस्या के वश हो जाना यह भी पाप का खाता है। पाप की परिभाषा है, पहचान है कि जहाँ पाप होगा वहाँ बाप याद नहीं होगा, साथ नहीं होगा। पाप और बाप रात और दिन जैसे है। इस विश्व नाटक का अंतरजाल इतना प्रभावशाली है कि भारत में किए गए कर्म या कर्म के बोए हुए बीज का फल आत्मा को लंदन में भी भोगना पड़ेगा।
आत्मा अपने कर्म का फल भोगने के लिए बाध्य है। भारत में बैठी आत्मा के संकल्प का प्रभाव लंदन में बैठी हुई आत्मा को भी प्रभावित करता है। कर्म और कर्म भोग, दैहिक, दैविक, भौतिक। जीवात्मा इस कर्म क्षेत्र पर जो भी अच्छा या बुरा कर्म करता है उसका प्रभाव दैहिक, दैविक और भौतिक रूप से जड़ प्रकृति और चेतन आत्माओं पर अवश्य ही पड़ता, जिसके परिणाम स्वरूप ही जीवात्मा को दैहिक, दैविक और भौतिक अर्थात दैहिक व्याधि, मानसिक व्याधि, संबंधों में कटुता आदि के रूप में अवश्य ही भोगना पड़ता है। कई घटनाओं में देखा गया है कि लोग सोचते हैं इसमें हमारा या किसी विशेष आत्मा का कोई हाथ नहीं है, तो ये भोगना उसको क्यों भोगनी पड़ रही है। प्राकृतिक आपदाओं के समय तो प्रायः ऐसा सुनने में आता है, परंतु सृष्टि नियमानुसार बिना कर्म के किसी भी आत्मा को कोई दुख या सुख नहीं हो सकता है। हमारे हर संकल्प और कर्म का प्रकृति और आत्माओं पर प्रभाव पड़ता ही है। जो नंबर वन में पुण्यात्मा बनता है वही फिर नंबर वन पापात्मा भी बनता है। उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि शिक्षक बनते हैं, सिखाने के लिए तो जरूर मेहनत करनी पड़ेगी। बीमारी आदि होती है तो अपने ही कर्म कहे जाते हैं, अनेक जन्मों के विकर्म किए हैं इस कारण भोगना होती है। इससे कभी भी डरना नहीं है, खुशी से पास करना है क्योंकि अपना ही किया हुआ हिसाब किताब है। प्रायश्चित होना ही है एक बाप की याद से। आत्मा को अपने कर्मों का फल तीन प्रकार अर्थात दैहिक, दैविक, भौतिक व्याधियों के रूप में भोगना ही पड़ता है। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनसे आत्मा का अन्य आत्माओं से विशेष संबंध नहीं होता है, अपने तक ही सीमित होते हैं, जैसे खान पान, रहन सहन आदि के नियमों का उल्लंघन। ऐसे कर्मों का फल दैहिक व्याधियों के रूप में भोगना पड़ता है। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो सामूहिक रूप में होते हैं और विशेष रूप से प्रकृति जिसको प्रभावित करते हैं, जिसके कारण अनेक आत्माओं को उसका परिणाम भुगतना पड़ता है। ऐसे कर्मों का फल दैविक आपदाओं अर्थात प्राकृतिक आपदाओं के रूप में सामने आता है और उसके निमित्त बनी हुई सर्व आत्माओं को उसका परिणाम भोगना पड़ता है। इसकी कोई हार्ड एंड फास्ट लाइन नहीं है या वो हमारी समझ के बाहर है, जिसके आधार पर ये कहा जा सके कि किन कर्मों के आधार पर ये प्राकृतिक आपदाओं का प्रकोप होता है जिसके कारण अनेक आत्माओं को उसका फल भोगना पड़ता है। परंतु कर्म के अटल सिद्धांत के आधार पर ये निश्चय से कहा जा सकता है कि किसी आत्मा को बिना कोई विकर्म किए दुख अशांति की भोगना हो ही नहीं सकती है। स्थिति भी क्रिया प्रतिक्रिया के सिद्धांत के आधार पर धीरे धीरे ही निर्मित होती है। इस सृष्टि नाटक का विधि विधान ऐसा सत्य है कि हर आत्मा को अपना अच्छा बुरा कर्म फल भोगना ही है। दुनिया के किसी भी कोने में बीज बोया होगा उसका फल ब्रह्मास्त्र के समान हमारा पीछा करता है, और हम दुनिया के किसी भी कोने में चले जाए वहाँ भी मिलेगा ही। भविष्य को बता देना, हवा में उड़ना, पद्मपति बन जाना कोई महानता नहीं है। अंततः इस सब स्वयं को और विश्व को देहाभिमान अर्थात तमोप्रधानता के गर्त ले जाने के कार्य है, जिसके परिणाम स्वरूप स्वयं भी और अन्य आत्माएं भी दुख की अशांति को पाते हैं। महानता उसमें है जो स्वयं को और विश्व को तमोप्रधानता या देहाभिमान के गर्त से निकालकर सत्वप्रधान अर्थात देही अभिमानी बना दे, उस कर्तव्य में सहयोगी बनी जिसके स्वयं और अन्य आत्माएं भी सुख शांति का अनुभव करें। मनुष्य विश्व का सबसे अधिक चिंतनशील प्राणी है और वह सबसे अधिक विचार तरंगे इस वातावरण में प्रसारित करते हैं।
वह इस विश्व के वातावरण को सबसे अधिक प्रभावित करता है, जिसके मनुष्यात्माओं और अन्य योनि की आत्माएं भी प्रभावित होती है, और वे आत्माएं भी वैसे कर्मों में प्रवृत्त होकर अपने कर्मानुसार फल पाते हैं। जड़ प्रकृति भी उससे प्रभावित होती है और उन निमित्त आत्माओं को उनके कर्मानुसार फल भोगने का विधान रचती है। इंद्रिय सुखों के आकर्षण आत्मा की देहाभिमानी स्थिति का ही परिणाम है, और इंद्रिय सुखों के प्रति चिंतन इस विश्व के अन्य योनि की आत्माओं को देहाभिमानी बनाने का मूल कारण है, जिसका परिणाम स्वयं के लिए अन्य आत्माओं के लिए दुखदायी अवश्य होगा। प्रकृति उसका फल अवश्य देगी, क्योंकि संकल्प कर्म से प्रकृति प्रभावित होती है। सदा अपने को चेक करो कि हमारा संकल्प, कर्म और समय देही अभिमानी बनाने की दिशा में जा रहा है या देहाभिमानी बनाने की दिशा में जा रहा है। श्रेष्ठ संकल्प से वायुमंडल शुद्ध होता है तो व्यर्थ कर्म से दूषित होता है, जिसका बोझा आत्मा पर चढ़ता है। जितना बीमारी जास्ती हो उतनी खुशी होनी चाहिए। कर्म भोग है, हिसाब किताब चुकतू करना है, इससे डरना नहीं है। समझना चाहिए हम ज्ञान योग बल से विकर्म विनाश नहीं कर सकते हैं, तो कर्म भोगना से चुकतू करना पड़े। ऐसे नहीं कि मुरली सुनी तो हम याद में ही है, क्योंकि शिव बाबा इसमें था ना। नहीं, मुरली सुनने से विकर्म विनाश नहीं होंगे, वह कमाई है। 63 जन्मों के हिसाब किताब यहाँ ही चुकतू होने हैं। अपने पिछले संस्कार स्वभाव बाहर इमर्ज हो सदा के लिए समाप्त हो रहे हैं। इस कर्मों की गुह्य गति को न जान घबरा जाते हैं। याद रखो, सच्चे बाप को अपनी जीवन की नैया दे दी है तो सत्य की नाव हिलेगी लेकिन डूब नहीं सकती। यहाँ तो साहूकारों के भी विकर्म बनते हैं, तब तो यह बीमारियां आदि दुख होते हैं। वहाँ विकर्म जाते ही नहीं तो विकर्म कैसे बनेंगे। सारा मदार कर्मों पर है, बाकी कर्मों का खाता भी चुकतू करके ही चलना है। कुछ योग बल से, कुछ कर्म भोग से, कुछ किसी न किसी तरीके से चुकतू अवश्य करना है। डंडों से खाते को चुकतू करना यह तो बड़ी इंसल्ट की बात है। डंडों के बजाय यह भोगना अच्छी है। सजाओं से भोगने में जरा कठिन होता है और इंसल्ट भी होता है। योग का भी बल मिलता जाएगा। ज्ञान का भी बल है, योग का भी बल है, धारणाओं का भी बल है। मुख से भी किसको ज्ञान धन दान करते हो, सेवा करते हो, तो यह कमाई भी हो गई है। कर्म और प्राकृतिक आपदाएं। प्राकृतिक आपदाएं भी मनुष्य के कर्मों का ही परिणाम है, क्योंकि मनुष्य के संकल्प और कर्म जड़ तत्वों को भी प्रभावित करते हैं, जिसके अनुसार ही तत्व भी आत्माओं के लिए सुखदायी दुखदायी बनते हैं। प्राकृतिक आपदाओं के समय भी ये तत्व किसके लिए हित का आधार बन जाते हैं और किसके लिए दुख का कारण बन जाते हैं। मनुष्य के अनेक कर्म सामूहिक रूप में होते हैं, इसलिए उनका प्रभाव भी सामूहिक रूप में ही आत्माओं पर पड़ता है। यथा अनेक मिल फैक्ट्रियों से जो कार्बन निकलती है, अनेक प्रकार की जहरीली गैस निकलती है जो वातावरण को दूषित करती है, जिससे अनेक प्राणी दुख पाते हैं, परंतु उनमें जो उत्पादन होता है उससे अनेक आत्माएं लाभान्वित होती है। भूगर्भ संपदा का दोहन करते हैं, अनेक बड़े बड़े बांध बनाते हैं जिससे अनेक आत्माएं लाभान्वित होती है, परंतु उनसे पृथ्वी का संतुलन प्रभावित होता है। उससे भी अनेक प्रकार के प्राकृतिक आपदाएं आती है और अनेक आत्माओं के दुख का कारण बनती है। इस प्रकार ऐसे कार्यों का सामूहिक लाभ भी होता है तो आपदा के समय सामूहिक भोगना भी होता है। कर्म और दुर्घटनाएं। मनुष्य के अनेक जन्मों में अनेकों आत्माओं के साथ अनेक प्रकार के संबंध होते हैं, जिनका हिसाब किताब भी दुर्घटनाओं के रूप में पूरा होता है, क्योंकि कर्म का सिद्धांत है।
कि बिना कारण के कोई कर्म नहीं होता है। इससे अतिरिक्त स्थान के साथ भी अनेक दुर्घटनाओं का संबंध होता है, उसमें भी मनुष्य के कर्म का ही हिसाब किताब है। कर्म और कर्म संबंध एवं कर्म बंधन। ये विश्व एक कर्म क्षेत्र है और कर्म इस विश्व नाटक का महत्वपूर्ण घटक है। हर कर्म का फल और हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, जिसके आधार पर ये विश्व नाटक चलता है। इस क्रिया प्रतिक्रिया के सिद्धांत के आधार पर ही कर्मों में मधुरता या कटुता आती है और इस मधुरता और कटुता के आधार कर्म संबंध और कर्म बंधन बनते और बिगड़ते हैं। सत्ययुग में जब आत्माएं इस धरा पर आती है या सारे कल्प में समय समय पर जो आत्माएं परमधाम से इस धरा पर आती है, उस समय उनके कर्म श्रेष्ठ होते हैं और फलस्वरूप सर्व आत्माओं के साथ उसके संबंध मधुर होते हैं। परंतु यथार्थ ज्ञान न होने के कारण आत्मा में देहाभिमान की प्रधानता होती है, जो समयांतर में देहाभिमान में परिणित हो जाता है, जिसके कारण धीरे धीरे आत्मा के परस्पर संबंधों में मधुरता की प्रतिशत कम होती जाती है। और इस क्रिया प्रतिक्रिया के सिद्धांत के अनुसार अंत में वह मधुरता कटुता में परिणित हो जाती है, जिसके फलस्वरूप वर्तमान जगत में माराकाटी, युद्ध आदि की समस्याएं पैदा हो जाती है। इस मधुरता और कटुता में भी आत्मा के कर्म ही निमित्त बनते हैं। परमपिता परमात्मा ही हमारा सच्चा संबंधी है, जो सदा सुखदायी है। वही सदा सुख का रास्ता बताता है। अन्य सभी संबंधों के अंतिम परिणित तो बंधन ही है, इसलिए सारे कल्प के संबंध अंत में कर्म बंधन के कारण ही बनते हैं। संगम युग पर परमात्मा से बुद्धि योग ही कर्म बंधन से मुक्त करके कर्म संबंध का आधार बनता है, परंतु इसमें भी आत्मा के कर्म ही आधार बनते हैं। किन्हीं व्यक्तियों के मध्य निर्णय में निमित्त आत्मा अंश मात्र भी स्वार्थपरता के वशीभूत निर्णय करता है, जिससे वे दोनों पक्ष प्रभावित होते हैं, तो उसका भी हिसाब किताब उसके साथ बनता है और उसका फल उसे अवश्य ही भोगना पड़ता है, अर्थात उनके साथ ही हिसाब किताब चुकाना पड़ता है। एक कर्म और फल का अटल सिद्धांत है। कोई भी आत्मा किसी के सुख दुख का कारण नहीं बन सकती। हर आत्मा का अपना कर्म ही उसके सुख दुख का मूल कारण है। इस सत्य को समझकर किसी भी आत्मा के प्रति राग द्वेष के वशीभूत चिंतन न कर अपने को देखने और प्रभु चिंतन करने वाला ही अपने कर्मों में श्रेष्ठता लाता है। वर्तमान में मधुर संबंधों के आधार पर सच्चे सुख का अनुभव भी करता है और अपने उज्जवल भविष्य के लिए भी सुखद संबंधों का निर्माण करता है, अर्थात मधुर संबंधों का बीज बोता है। हमारी दृष्टि वृत्ति से अन्य आत्माओं को स्वरूप में स्थित होकर अतीन्द्रिय सुख की परमपिता परमात्मा की याद आती है, तो इससे हमारे मधुर संबंधों का खाता जमा होता है। यदि हमारी दृष्टि वृत्ति से कोई आत्मा देहाभिमान में आती है या हमारी दृष्टि वृत्ति किसके प्रति पतित होती है, तो यह हमारे जीवन का पाप कर्म है और यह हमारे मधुर संबंधों का खाता कम करके कटु संबंधों का निर्माण करता है। इस सत्य को अनुभव करने वाला ही अपनी दृष्टि वृत्ति को शुद्ध पवित्र बनाकर मधुर संबंधों का निर्माण कर सकता है। परमात्मा के नाम पर भी हम जो देते हैं, परंतु परमात्मा तो दाता है और अभोक्ता है। वह तो किसी के दिए हुए धन संपत्ति का उपभोग नहीं करता है, उसका उपभोग तो अन्य आत्माएं ही करती है। तो उसका उपयोग या उपभोग करने वालों के साथ भी हमारे कर्म संबंधों का निर्माण होता है। यदि कोई उसका दुरुपयोग करता है तो कर्म बंधन का भी कारण बन सकता है, क्योंकि अभी सारे कल्प के लिए हिसाब किताब बनते हैं। जो करेगा सो पाएगा,
ऐसे कोई मत समझे कि हम शिव बाबा को 5 रुपया देते हैं, ये तो शिव बाबा के बड़ी इंसल्ट करते हैं। तुम शिव बाबा के खजाने में 5 रुपया देते हो, बाबा तुमको 5 करोड़ देते हैं, कौड़ी से हीरे जैसा बना देते हैं। ऐसा कब संशय नहीं लाना कि हमने शिव बाबा को दिया। इस विश्व नाटक में हर आत्मा स्वयं ही कर्ता और उस कर्म के फल की भोगता है। तुम किसी आत्मा के कर्म या कर्मफल के लिए अपना समय संकल्प व्यर्थ नहीं गवाओ। तुम अपना भाग्य बनाने के लिए अभीष्ट पुरुषार्थ करो। किन्हीं आत्माओं के लिए चिंतन करना, समय संकल्प लगाना भी कर्म संबंध या कर्म बंधन का कारण बन जाता है। हर आत्मा को प्राप्ति अप्राप्ति अपने कर्मानुसार होती है। तुम अपने कर्म और प्राप्ति को देखो और उसका सदुपयोग करो। यह विश्व नाटक विविधतापूर्ण है और विविधता ही इसकी शोभा है। हर आत्मा को अपने कर्म और उसके भाव और भावना के आधार पर फल अवश्य मिलता है। किसी व्यक्ति विशेष को देखकर मिलकर आगे बढ़ता देखकर या किसके दुखी होने में दुखी होना या खुशी होना भी अपने भावी बंधनों का कारण बनता है, भविष्य संबंधों का निर्माण करता है। आध्यात्मिक मार्ग के पथिक को सुख दुख दोनों से न्यारा साक्षी होकर रहना चाहिए, तभी एक परमात्मा की याद रहेगी और मधुर संबंधों का निर्माण होगा, जिससे आत्मा मुक्ति जीवन मुक्ति का सहज अनुभव करेगी। संगम युग अर्थात स्वस्थिति में स्थित आत्मा के साथ कोई आत्मा दुर्व्यवहार कर नहीं सकती, और यदि करती है तो ये उसका पुराना हिसाब किताब है। इसलिए उसे अपना पुराना हिसाब किताब समझकर धैर्य से पूरा करना ही आत्मा के लिए हितकर है। उत्तेजना में आकर अपना व्यवहार या कर्म खराब नहीं करना चाहिए। यदि स्वस्थिति को छोड़कर उत्तेजना में आकर हम भी कोई दुर्व्यवहार करते हैं तो वो भविष्य के लिए खराब हिसाब किताब का खाता बन जाता है। ये संगम युग है ही पुराने कर्म बंधन का हिसाब किताब चुकतू करने और नए युग के लिए नया सुखद संबंधों का हिसाब किताब बनाने का युग। कर्म इस विश्व नाटक का मुख्य घटक है और आत्मा के सुख दुख का मूल कारण है। कर्म के मूल सिद्धांतों और अटल सत्यों को जानने और दृढ़ निश्चय वाला ही श्रेष्ठ पुरुषार्थ करके मधुर संबंध निर्माण करने में समर्थ होगा और उसके फल स्वरूप सुखमय जीवन को प्राप्त कर सकेगा। जो मोहवश अनुचित कर्म करके किन्हीं व्यक्तियों के लिए साधन संपत्ति का संग्रह करता है, वह जिनकी संपत्ति का अपहरण करता है, उनके साथ तो कर्म बंधन का खाता बनाता ही है, परंतु जिनके लिए संग्रह करता है उनके साथ भी दुख का कर्म बंधन बनता है। क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन, और कर्म के अनुसार वे आत्माएं भी दुखी होती है और उससे करने वाले के साथ दुख का कर्म बंधन ही बनता है। तुम बच्चों में कुदृष्टि क्रोध आदि कुछ नहीं होना चाहिए, अपना ही नुकसान करते हैं। कुदृष्टि होती है तो उसका भी वाइब्रेशन आता है, दूसरे को भी कशिश होती है। अब बाप बच्चों को कर्म अकर्म विकर्म की गति भी समझाते हैं, इसलिए बाबा बार बार समझाते हैं ताकि कोई ऐसे न कहे कि हमको कोई ने समझाया नहीं। यदि हमारे सामने कोई कत्ल होता या कोई अन्य अकृत्य होता है तो हम उसको करने वाले को मार सकते हैं? नहीं, क्योंकि हमको उनके पिछले हिसाब किताब का पता नहीं है। यदि हमारी दोनों के प्रति शुभ भावना है तो हम अपने स्वरूप में स्थित हो दृष्टि देंगे तो वह करने वाला स्वतः ही उस दुष्कृत्य से हट जाएगा। सत्यता तो ये है, जो स्वरूप में स्थित होगा, परमपिता परमात्मा की याद में होगा, उसके सामने ऐसा दुष्कृत्य होगा ही नहीं। यही साक्षी दृष्टा की पहचान है। परमपिता परमात्मा समर्थ होते हुए भी उनको नहीं रोकता,
क्योंकि वह इस सृष्टि विश्व नाटक का और आत्माओं के कर्मों के हिसाब किताब का पूर्ण ज्ञाता है। इसलिए हमको उनके विषय में कोई निर्णय करने का अधिकार नहीं है। सबके साथ शुभ भावना और शुभ कामना रखना ही हमारा कर्तव्य है। किसी अशुभ घटना को देखकर यथार्थ ज्ञान को समझकर राग द्वेष लगाव घृणा दोनों से परे होकर साक्षी होकर मरने और मारने वाले दोनों के प्रति शुभ भावना शुभ कामना रखनी है। मरने वालों की आत्मा की शांति की कामना और मारने वालों को परमात्मा सद्बुद्धि दे जिससे वे ऐसे पाप कर्म से विमुख हो जाएं। ऐसी भावना रखने वालों पर न कोई पाप चढ़ता है और न ही उनका कोई दुश्मन हो सकता। जो कार्य आत्माओं के प्रति किया जाता है उससे आत्माओं को जो सुख दुख मिलता है उसका हिसाब किताब आत्माओं से अवश्य बनता है और उसका फल आत्माओं के द्वारा मिलता है। जिस कार्य से प्रकृति प्रभावित होती है उसका फल प्रकृति द्वारा मिलता है। कोई अप्राकृतिक कार्य या अप्राकृतिक रूप में किया गया कार्य देह को प्रभावित करता है उसका फल देह से दुख रूप में मिलता है। यथा अप्राकृतिक मैथुन या अयथार्थ मैथुन अयथार्थ भोग आदि का फल शारीरिक व्याधि के रूप में अवश्य आता है। तुम जानते हो कि बेहद के बाप ने पढ़ाया, इस पढ़ाई से बरोबर तुम सत्युग के राजा रानी बनने वाले हो। वह जो अल्पकाल के लिए विकारी राजाएं बनते हैं वह कोई नॉलेज से नहीं बनते हैं। जो दान पुण्य करते हैं वे जाकर साहूकार के घर में जन्म लेते हैं। तुम अपने को जानते हो, दुनिया तो नहीं जानती कि यह शक्तियां गुप्त रीति योगबल से विश्व पर अपनी दैवी राजाई स्थापन कर रही है। जो गोल्डन एज बनाते हैं वे ही आकर फिर राज्य करेंगे। दूसरे के संकल्प भी हमारी स्थिति को प्रभावित करते हैं जिसके कारण भी अन्य आत्माओं के साथ हमारे हिसाब किताब को बनते हैं, जिसके कारण वे हमारे सुख दुख के निमित्त बनते हैं। इसलिए सच्चे आध्यात्मिक पुरुषार्थी को कोई ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए जिससे किसी आत्मा को दुख हो और उसके संकल्प हमारे प्रति खराब हो। दूसरे की प्राप्तियों को देख लालायत होना या ईर्ष्या करना या दूसरे से किसी प्राप्ति की इच्छा रखना भिखारीपन है या आत्मा के खालीपन की निशानी है। दाता के बच्चे हो, दाता परमात्मा ने तुमको क्या नहीं दिया है। अपनी प्राप्तियों को देख उनका सुख लेना और सुख देना ही इस संगमयुगी जीवन की सफलता है। साथ ही ज्ञानी आत्मा को इस सत्य को भी अवश्य याद रखना है कि किसी भी आत्मा से जाने अनजाने भी हम कुछ लेंगे तो उसके साथ हमारा हिसाब किताब बनेगा और वह भविष्य में चुकाना अवश्य पड़ेगा। इसलिए इस सत्य को जानकर सदा ही अपने ऊपर किसी का अनावश्यक ऋण चढ़ाने से बचकर रहना चाहिए या अनावश्यक लेन देन करना भी जानकर अपने ऊपर बोझा लादना है। कर्म भोग रोग शोक आना आत्मा का अपने ही कर्मों का फल है और उसके निदान के लिए साधन सुविधा प्राप्त होना और सफलता असफलता पूर्वक निदान होना भी अपने कर्मों फलस्वरूप ही होता है। इसलिए ज्ञानी आत्मा को कब किसे ईर्ष्या घृणा न करके अपनी प्राप्तियों से संतुष्ट रहना और अपने सुखमय भविष्य के लिए सदैव श्रेष्ठ कर्मों में प्रवृत्त रहना ही कल्याणकारी है। अपने दुख और अप्राप्ति के लिए किसको दोष देना अज्ञानता है और अपने विकर्मों का खाता बढ़ाना है। आत्मा का खाता सदा अच्छा रहे और संबंध सदा सुखदायी रहे इसके लिए आत्मा के हिसाब किताब कहाँ कहाँ बनते हैं इस विषय में भी ज्ञान होना अति आवश्यक है। आत्मा का आत्माओं के साथ हिसाब किताब, आत्मा का प्रकृति के साथ हिसाब किताब, आत्मा का अन्य योनि की आत्माओं के साथ हिसाब किताब, आत्मा का स्वयं ही स्वयं के साथ हिसाब किताब। दैहिक संबंधों या स्वार्थ के आधार पर अपने पराये का भेद उत्पन्न कर ज्ञानी पुरुष को कब कोई अकृत्य करके
अपना कर्म बंधन का खाता नहीं बढ़ाना चाहिए। इस जगत में न कोई अपना है और न ही पराया है, सभी पाठधारी हैं और अपना अपना अनादि अविनाशी पाठ बजा रहे हैं। सबके साथ शुभ भावना शुभकामना रखकर अच्छे सुखमय संबंधों का बीज बोना चाहिए। अपना पराये का भेद अज्ञानता जनित है। सभी आत्माएं इस विश्व नाटक में पाठधारी है। जो आज अपना है वही कल पराया होगा और जो आज पराया है वही कल अपना होगा। यज्ञ में कोई भी आत्मा जो पाई पैसा देता है उसका जो आत्मा उपयोग या उपभोग या दुरुपयोग करता है उस आत्मा का उस देने वाली आत्मा के साथ हिसाब किताब जुड़ जाता है और वह अनेक जन्मों तक चलता है और उपभोग करने वाली आत्मा को ब्याज से ही दाता आत्मा को चुकाना पड़ता है। जो भी इस यज्ञ में कोई भी नैतिक अनैतिक कर्म से मनसावाचा कर्मना जैसा बीज बो रहा है वह उसके शुभाशुभ परिणाम को भोगने के लिए बाध्य है। इस सत्य को जानने वाली आत्मा किसी भी परिस्थिति में किसी भी आत्मा को देखकर अपने सत्य पथ से विचलित नहीं होगी, विकर्म में प्रवृत्त नहीं होगी। इस विश्व नाटक में या सृष्टि रूपी रंगमंच पर आत्माओं का आत्माओं के साथ स्नेह और शुभ भावनाएं जीवन के प्रति अभिरुचि पैदा करती हैं। सदा सर्व की शुभ भावनाएं हमारे प्रति रहे, इसके लिए हमारे सदा सर्व के प्रति शुभ भावना और सदा शुभ कर्मों में प्रवृत्ति रहे। कब किसी की बाह्य या आंतरिक कमी कमजोरी को देखकर उपहास घृणा निंदा नहीं करना चाहिए, ये भी एक विकर्म है, अज्ञानता है। परिवर्तनशील जगत में भी वह कमी कमजोरी हमारे जीवन में भी कभी आ सकती है। दूसरों पर भी मेहर करनी है और रास्ता बताने की, तमोप्रधान से सत्वप्रधान बनाने की। बाबा ने तुम बच्चों को पुण्य और पाप की गहन गति समझाई है। पुण्य क्या है और पाप क्या है? सबसे बड़ा पुण्य है बाप को याद करना और दूसरों को भी बाप की याद दिलाना। सबसे बड़ा पाप है संगदोष में आकर अपना और दूसरों का खाना खराब करना, सेंटर खोलना, तन मन धन दूसरों की सेवा में लगाना, यह है पुण्य। खजाने को विधि से कार्य में लगाना अर्थात वृद्धि को प्राप्त करना, चाहे स्वयं को संपन्न बनाने के कार्य में लगाए चाहे स्वयं की संपन्नता द्वारा अन्य आत्माओं की सेवा के कार्य में लगाए। विनाशी धन खर्चने से खोटता है परंतु अविनाशी धन खर्चने से पदम गुना बढ़ता है, इसीलिए कहावत है खर्चो और खाओ। कर्म और सुख दुख, इस सुख और दुख जीत और हार का अनादि अविनाशी खेल बना हुआ है। जहाँ सुख है वहाँ दुख भी निश्चित है और जहाँ दुख है वहाँ सुख भी अवश्य होगा। बाबा ने कहा है जिन्होंने बहुत सुख देखा है वे ही बहुत दुख देखते हैं और फिर उनको ही बहुत सुख में जाना है। इस सुख दुख में कर्म का महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि कोई सुख या दुख बिना कर्म के हो ही नहीं सकता। मनुष्य जो भी कर्म करता है उसके परिणाम में सुख या दुख अवश्य समाया रहता है। गर्भ भी एक साधन है आत्मा को शरीर रूपी वस्त्र बदलने के लिए। जो आत्मा के लिए कर्मानुसार सुखदायी भी है तो दुखदायी भी बनता है। करोड़पति करोड़ से, लखपति लाख से, गरीब अपनी भावना से किसी आत्मा के दुख के निदान में सहयोगी बन सकता है, परंतु सभी परिस्थितियों में व्यक्ति को अपने कर्मानुसार दुख का अनुभव होगा ही होगा। बाबा कहते मैं ऐसा संसार बनाता हूँ जिस संसार में तुम सदा सुखी रहो, उसकी युक्ति बता रहा हूँ। कई समझते हैं कि यह तो इम्पॉसिबल है, लेकिन अगर इम्पॉसिबल है तो फिर ऐसी आश हम क्यों रखते आते हैं कि हम सदा सुखी रहें। ऐसी ही दुनिया का नाम हेविन स्वर्ग बहिष्ट है।
जिसे सभी भाषा वाले अपने अपने नाम से याद करते हैं। कल पहले भी इसी टाइम पर आया था और ऐसे ही हमको बनाया था। हमको बनाने के लिए ही उनको इतने सब तरीके लेने पड़ते हैं। ऐसे नहीं कि वह सर्वसमर्थ है तो अपनी शक्ति से वह अपने तरीके से बना दे। बनाएंगे भी हमारे ही तरीके से, क्योंकि हमको कर्मों से बनना है। हम कर्म के आधार पर बनने वाली चीज है। हम दूसरी तरह से बन ही नहीं सकते हैं। हम बनते ही कर्मों से है और बिगड़ते भी कर्मों से हैं। हमारा है ही कर्म का चक्कर। मेरा यही तरीका है। इससे जो मेरे द्वारा जानते हैं और समझते हैं वे ही बन करके अपना सौभाग्य लेते हैं। अनेक जन्मों के प्रकृति और आत्माओं के साथ हिसाब किताब है, जिनके परिणाम स्वरूप दैहिक दैविक भौतिक रोग शोक अवश्य भावी है, जो पूरे करने ही होंगे। देही अर्थात देह से न्यारे होने के अभ्यासी के लिए ये शूली से कांटा अनुभव होंगे और देह अभिमानी को कांटा भी शूली समान दुखदायी होगा। इसलिए सुख के अभिलाषी आत्मा को अभी ही देही अभिमानी स्थिति में स्थित होने का पुरुषार्थ करना है। कोई भी विकर्म आत्मा के व्यर्थ चिंतन या मानसिक शारीरिक दुख का कारण अवश्य बनता है, जो आत्मा को सच्चे सुख से वंचित कर देता है। व्यर्थ चिंतन या व्यर्थ संकल्प विकल्प स्वतः में एक विकर्म है, जो आत्मिक शक्ति के ह्रास के कारण होता है और आत्मा के दुख का निमित्त बनता है। भविष्याशुभ की परिकल्पना भी दुख का बड़ा कारण है। अनेक मनुष्य दुख न होते हुए भी भविष्य के दुख की परिकल्पना करके दुखी होते रहते हैं, या भविष्य के अशुभ की परिकल्पना करके अनेक विकर्म करते हैं, जो भविष्य दुख का कारण बन जाते हैं। भविष्य के अशुभ की आशंका का भय आत्मा को भयभीत करता है, आशंकित करता है, जिससे आत्मा वर्तमान सुख से वंचित होकर भविष्य की आशंका में दुखी होती है। परंतु अशुभ की आशंका से भयभीत होने से अशुभ को टाला नहीं जा सकता। इस सत्य को समझकर वर्तमान में निश्चिंत होकर श्रेष्ठ कर्म करने से उस अशुभ से मुक्त हो सकते हैं, या वह अशुभ हल्का हो सकता है। परमपिता परमात्मा की मधुर स्मृति ही सबसे श्रेष्ठ कर्म है। कर्म प्रधान विश्व रची राख, जो जस कीन तासु फल चाखा। पवित्रता ही जीवन है। हमको अपना जीवन सुखी बनाने के लिए किसी भी परिस्थिति में कोई अनुचित कर्म नहीं करना है। हमारे प्रति अनुचित कर्म करते हुए या हमारे सामने अनुचित कर्म होते हुए भी हमको उससे प्रभावित होकर कोई अनुचित कर्म नहीं करना है और न ही किसी के लिए अशुभ सोचना है। यही ज्ञानी आत्मा का लक्षण और सुखी जीवन का प्रशस्त मार्ग है, क्योंकि हर आत्मा का अपना ही कर्म उसके सुख दुख का कारण है और हर आत्मा को ड्रामा के अनादि अविनाशी विधान के अनुसार अपने कर्म का फल सुख या दुख के रूप में अवश्य मिलना ही है। कर्म और निश्चय बुद्धि। मनुष्य के निश्चय का कर्म पर गहरा प्रभाव है। जैसा मनुष्य का निश्चय होता है उस अनुसार ही उसके संकल्प और कर्म होते हैं। हमारे कर्म श्रेष्ठ कर्म हो, उसके लिए कर्म सिद्धांत का ज्ञान, उसका अनुभव और निश्चय परम आवश्यक है। कर्म की गुह्य गति का ज्ञानदाता ज्ञान सागर शिव बाबा ही है। वही आकर कर्म की गहन गति का यथार्थ ज्ञान देता है और श्रेष्ठ कर्मों का मार्ग बताता है। जिनको परमात्मा पर अटल निश्चय होता है और उनके द्वारा दिए गए ज्ञान पर अटल निश्चय होता है, उसकी प्रवृत्ति श्रेष्ठ कर्मों में अवश्य होती है, जिसके फलस्वरूप वह श्रेष्ठ कर्म करके इस समय भी सुख पाता है तो भविष्य के लिए सुख का खाता संचित करता है। कर्म को करने के लिए आत्मिक शक्ति चाहिए। आत्मिक शक्ति का एकमात्र स्रोत सर्वशक्तिवान शिव बाबा ही है।
उसके ऊपर निश्चय होने से ही उसके साथ योग लगता है और आत्मिक शक्ति बढ़ती है और आत्मा श्रेष्ठ कर्म करने में समर्थ होती है। और तो सारे कल्प में आत्माएं जो भी कर्म करती है उनके अपेक्षाकृत अच्छे बुरे तो होते ही हैं, परंतु श्रेष्ठ कर्म जिनसे आत्मा ही चढ़ती कला की ओर जाती है, परंतु श्रेष्ठ कर्म जिनसे आत्मा की चढ़ती कला हो वह नहीं होते हैं। आत्मा की कलाएं दिनों दिन उतरती ही जाती है, पतन की गति मंद या तीव्र अवश्य होती है। जिस बात के विषय में निश्चय दृढ़ हो जाता है उसके अनुसार संकल्प और कर्म निश्चित होते हैं, और जब संकल्प और कर्म श्रेष्ठ होते हैं तो उसका फल भी अवश्य श्रेष्ठ होता ही है। जिसका निश्चय जितना दृढ़ होता है संकल्प और कर्म उतने ही तीव्र होते हैं। परमात्मा पिता ने जो दिया है वह संसार की किसी भी मूल्यवान संपत्ति से अधिक मूल्यवान है और सुख देने वाला है। इसके महत्व को जान, उसका लाभ उठाओ। बाप का हाथ सदा तुम्हारे सिर पर है। इस सत्य को जानकर और निश्चय करके कभी भी श्रेष्ठ कर्म और धर्म पद से विचलित नहीं होना चाहिए। ऊंच पद के प्रलोभन से ऊंच कर्तव्य अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऊंच कर्तव्य ही ऊंच पद का आधार है। इस सत्य पर निश्चय करके ऊंच पद के प्रलोभन में अपने कर्तव्य पद से विचलित नहीं होना चाहिए। संगम युग ऊंच कर्तव्य करने का युग है। श्रेष्ठ कर्मों द्वारा श्रेष्ठ भाग्य या श्रेष्ठ कर्म फल का संग्रह ही श्रेष्ठ संग्रह है, और श्रेष्ठ कर्म फल ही आत्माओं के सुख का आधार है। साधन और संपत्ति का संग्रह कर्म के अनुरूप ही सुख दुख का आधार बनता है। इस सत्य को अनुभव और निश्चय करके श्रेष्ठ कर्म करके श्रेष्ठ कर्म फल का संग्रह करना चाहिए। परमपिता परमात्मा की याद और ईश्वरीय सेवा सबसे श्रेष्ठ कर्म है और श्रेष्ठ भाग्य के संग्रह का आधार है। कोई भी कर्म का फल निष्फल हो ही नहीं सकता, क्योंकि बाप की याद में करते हो ना। याद में किए हुए कर्म का फल सदा श्रेष्ठ रहता है, इसलिए कभी भी दिल शिकस्त नहीं बनना। कर्मों में श्रेष्ठता भ्रष्टता का आधार है निश्चय। निश्चय है कि मैं आत्मा हूँ, देह नहीं, और अन्य भी सभी आत्माएं हैं। जो हुआ वह टल नहीं सकता, और जो नहीं हुआ वह हो ही नहीं सकता। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा है, और जो होगा वह भी अच्छा होगा। पवित्रता ही सुखमय जीवन का एकमात्र आधार है। पवित्र आत्मा की शुभ कर्मों में अभिरुचि और अशुभ कर्मों में अरुचि स्वतः होती है। एक बाप ने जो दिया है वही श्रेष्ठ और सुखमय जीवन का आधार है। विश्वनाटक के इस सत्य पर जिसका दृढ़ निश्चय होगा उसके कर्म सदा श्रेष्ठ होंगे। जो सच्चे दिल से परमात्मा पर समर्पण है उनकी वह अवश्य मदद करता है। कोई भी व्यक्ति उसको गिरा नहीं सकता, झुका नहीं सकता, परंतु हमको अपने में और परमात्मा में अटल विश्वास और निश्चय रखना है और भयभीत होकर किसी ईश्वरीय नियम मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना है। परंतु निश्चय और विश्वास की परीक्षा अवश्य होती है। जो इस परीक्षा में पास होता है वही विजयी बनता है, अर्थात श्रेष्ठ कर्म करके सदा सुख पाता है। ज्ञानी आत्मा को किसी व्यक्ति के विषय में और किसी बात के विषय में चिंता नहीं करनी चाहिए। जो हुआ वह बच नहीं सकता, और जो नहीं हुआ वह हो ही नहीं सकता। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा है, और जो होगा वह भी अच्छा होगा। जीवात्मा अपना आप ही मित्र और अपने आप का ही शत्रु है। जो परमात्मा के छत्र छाया में है और सत्य के पथ पर है उसकी विजय निश्चित है। जो अधर्म और असत्यता के पथ पर है उसे अपने कर्म के लिए पश्चाताप अवश्य करना होगा। ज्ञानी आत्मा का कर्तव्य है इस सत्य पर निश्चय करके सदा निश्चिंत होकर साक्षी होकर सब पार्ट को देखना और सर्व के प्रति शुभ भावना शुभकामना रखना। न काहू से दोस्ती और न काहू से वैर। विषय भोग में भी दोनों सुख का अनुभव करते हैं, खुश होते हैं, स्वेच्छा से करते हैं, इसलिए इसमें पाप की बात ही नहीं, परंतु उससे आत्मा की शक्ति सबसे अधिक ह्रासित होती है। उससे विषय भोग की प्रवृत्ति बढ़ती है जो भविष्य के अनेक पापों का कारण बन जाती है।
साथ ही अगर वह अनियमित है, असमय में है, अनैतिक है, तो वह पाप कर्म है। अनैतिक रूप से विषय भोग की दृष्टि वृत्ति रखते तो भी आत्माओं के दुख के निमित्त बनते हैं और उससे पाप का खाता बढ़ता है। इस सत्य पर निश्चय करके इससे विमुख होकर अपनी आत्मिक शक्ति का संग्रह करें और श्रेष्ठ कर्मों में उपयोग करके अपना ये जीवन और भविष्य सुखमय बनाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। व्यर्थ संकल्प चलाकर अपनी शक्ति को नष्ट करते हैं। द्वापर के आरंभ में ये विषय भोग का सत्वप्रधान स्वरूप था और केवल संतान उत्पत्ति के लिए ही था, जो अभी बढ़ते बढ़ते कलयुग के अंत में विषय भोग के रूप में बदल गया, अर्थात विषय एक मनोरंजन का रूप बन गया और जिसके परिणाम स्वरूप पर स्त्री गमन और बलात्कार जैसी घटनाएं भी होने लगी। हमारे जीवन से प्रभु प्राप्ति और प्रभु प्राप्तियों की प्राप्ति का नशा व खुशी चलन और चेहरे से प्रकट होनी चाहिए। यदि नहीं होती है तो सिद्ध है कि अंदर कोई मूंज है जिसके कारण खुशी नहीं है, हमारे निश्चय में कोई कमी है। हमारी ये मूंज सर्विस न करके डिस सर्विस ही करेगी और हमारा भाग्य का खाता कम करेगी। इसको चेक करके सदा श्रेष्ठ निश्चय रखकर श्रेष्ठ कर्म करके अपना खाता जमा करना है। निश्चय प्रमाण और कर्म। मनुष्य का जैसा निश्चय होता है उस अनुसार कर्म अवश्य होता है। किसी कर्म की सफलता के लिए आत्मा का निश्चय बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और निश्चय जितना दृढ़ होगा कर्म उतना ही शक्तिशाली होगा। निश्चय की दृढ़ता उसकी प्रामाणिकता पर आधारित होती है, अर्थात किसी बात पर यथार्थ रूप से निश्चय करने के लिए किसी न किसी प्रकार का प्रमाण अवश्य चाहिए। मुख्यतः किसी बात की प्रामाणिकता को सिद्ध करने के लिए अध्यात्म मार्ग में चार प्रकार के प्रमाण बताए गए हैं। प्रथम है प्रत्यक्ष प्रमाण, अर्थात प्रत्यक्ष में किसी बात को देखकर उसको मानना, उस पर निश्चय करना। प्रत्यक्ष के लिए तो गायन है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं। दूसरा है अनुभव प्रमाण, अर्थात किसी बात के विषय में अनुभव करके उसको मानना। जैसे पानी की मिठास को चखकर उसमें चीनी है उसको मानना, निश्चय करना। तीसरा अनुमान प्रमाण, अर्थात अनुमान के आधार पर मानना, निश्चय करना। जैसे दूर से धुएं को देखकर आग की विद्वता का पता चलता है और उसके आधार पर निश्चय करना। चौथा कहीं सुनी या लिखी हुई बात के आधार पर किसी बात की सत्यता को मानना और निश्चय करना। जैसे शास्त्रों में अनेक प्रकार की बातें लिखी हुई है, उनको लोग मानते आते हैं क्योंकि वे धर्मशास्त्रों में लिखी है, इसलिए उनको लोग सत्य मान लेते हैं। या किसी बड़े विद्वान ने कोई बात कह दी तो भी उसे लोग मान लेते हैं, भले ही वह बात उसी रूप में सही हो या न हो। इसी बात के विषय में निश्चय जितना दृढ़ होता है धारणा उतनी ही श्रेष्ठ होता है। और जैसी मनुष्य की धारणा होती है उसका प्रभाव उसके कर्म पर पड़ता है। बाबा ने जो हमको ज्ञान दिया है उनकी सत्यता को स्वीकार करने में या निश्चय करने में ये चारों ही प्रमाण का काम करते हैं, क्योंकि बाबा ने जो ज्ञान दिया है उनमें अनेक बातें तो हम प्रत्यक्ष में देखते हैं, कुछ का अनुभव भी करते हैं, कुछ को अनुमान के आधार पर मानते हैं और कुछ की सत्यता को बाबा ने कहा है इसीलिए सत्य मानते हैं, क्योंकि बाबा के द्वारा कही हुई सभी बातें हमको प्रत्यक्ष में सत्य देखने में आती, अनुभव भी होती। तो जो बातें अभी हम अनुभव में नहीं कर रहे हैं या जो भविष्य में होने वाली है वे भी अवश्य ही सत्य होंगी। कहा गया है प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं हुई और अनुभव को भी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिस बात का अनुभव कर लिया वह तो हमारे लिए स्वतः ही सिद्ध है ही। वास्तव में प्रत्यक्ष और अनुभव की हुई बात को मानने या निश्चय करने के लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। प्रमाण की आवश्यकता अनुमान और कही सुनी लिखी हुई बात की सत्यता को जानने और निश्चय के लिए ही प्रमाण की आवश्यकता होती है। जैसा मनुष्य का निश्चय होता है वैसे कर्म अवश्य होते हैं। यथा यदि किसी आत्मा को ये दृढ़ निश्चय हो जाए कि कल ही विनाश होने वाला है
तो अभी ही उसके संकल्प और कर्म उस अनुसार हो जाएंगे, अर्थात वह अपनी बुद्धि को इस देह और दुनिया से निकालकर विनाश के समय उसकी स्थिति अच्छी रहे, उसका तन मन धन सब सफल हो, उसके लिए पुरुषार्थ अवश्य करेगा। दूसरी बात, कर्म के विषय में बाबा ने अनेक प्रकार के नियम और सिद्धांतों के विषय में हमको ज्ञान दिया है, जो हमारे जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए परम आवश्यक है। जिन पर हमको जितना ही निश्चय होगा उतना ही उनकी जीवन में धारणा होगी और धारणा के अनुसार हमारे कर्म संस्कार होंगे। उन नियम और सिद्धांतों के विषय में मनन चिंतन के द्वारा उनकी सत्यता को जाना और अनुभव किया जा सकता है। जिस बात का अनुभव हो जाता है उसके विषय में निश्चय सहज हो जाता है, और जैसा निश्चय वैसा कर्म भी स्वतः हो जाता है, और जैसा कर्म वैसा फल भी मिलता रहता है। कर्म के संबंध में कुछ विचारणीय प्रश्न। क्या परमात्मा आत्माओं को कर्म का फल देता है? यदि देता है तो किस रूप में और कैसे? क्या किसी आत्मा के किए हुए कर्म का फल किसी दूसरी आत्मा को मिल सकता है? क्या कर्म का फल आत्माओं को धर्मराजपुरी में मिलता है? यदि हाँ तो वह धर्मराजपुरी कहाँ है और कैसे फल मिलता है? कृत्य अकृत्य का निर्णय आत्मा कैसे करे, अर्थात श्रेष्ठ कर्म क्या है और विकर्म क्या है, उसका निर्णय आत्मा कैसे करे? सारांश। ये विश्व नाटक कर्म फल कर्म क्रिया प्रतिक्रिया पर आधारित एक घटना चक्र है। कर्म इसका मुख्य घटक है। बिना कर्म के कोई भी आत्मा इस कर्म क्षेत्र पर रह नहीं सकती और कोई भी कर्म निष्फल नहीं होता, अर्थात हर कर्म का अच्छा या बुरा फल अवश्य होता है। हर आत्मा को अपने ही कर्मों के फल स्वरूप सुख या दुख की प्राप्ति होती है। कर्मों के आधार पर ही कर्म संबंधों और कर्म बंधनों का निर्माण होता है, जिसके आधार पर आत्मा का पुनर्जन्म होता है। संकल्प भी एक कर्म है, उसका भी फल होता है। संकल्प ही स्थूल या प्रत्यक्ष कर्म का आधार है। कर्म योग से आत्मा की चढ़ती कला और भोग से उतरती कला होती है। परमपिता परमात्मा भी इस कर्म क्षेत्र पर आकर कर्म करते हैं। वह कर्म और कर्म के फल विश्व नाटक के विधि विधान का पूर्ण ज्ञाता है। वही आकर आत्माओं को श्रेष्ठ कर्मों का, कर्म के नियम सिद्धांतों विधि विधान का ज्ञान देता है और श्रेष्ठ कर्म करने की शक्ति का मार्ग प्रदर्शित करता है। आत्मा को श्रेष्ठ कर्म करने के लिए कर्म के उन नियम सिद्धांतों का ज्ञान, उनका अनुभव और उन पर निश्चय परम आवश्यक है। निश्चय बुद्धि विजयंती। कर्म भोग आत्मा के विकर्मों का बोझा हल्का करने का एक साधन है। इसीलिए कर्म भोग के समय भी आत्मा को धैर्य से योगयुक्त होकर उसे पूरा करना चाहिए, उसमें भी कब अधीर नहीं होना चाहिए। कर्म का संकल्प और ड्रामा के पार्ट का इस विश्व नाटक में अद्वितीय संतुलन है तथा कर्म और फल का पूर्ण न्यायपूर्ण संतुलन है। पवित्र योगयुक्त स्वस्थिति में स्थित होकर आत्मा में कृत्य का संकल्प स्वतः उत्पन्न होता है। उसकी शुभ में अभिरुचि और अशुभ में अरुचि स्वतः होती है। एक परमपिता परमात्मा को याद करना और कराना सबसे श्रेष्ठ कर्म और आत्माओं को परमात्मा से विमुख करना सबसे भ्रष्ट कर्म है। पुराना घर छोड़ नया घर लिया, इसमें मरने की क्या बात हुई? रोने पीटने की कोई बात ही नहीं, अफसोस करने की दरकार ही नहीं। खुशी से पुराना चोला छोड़ नया लेते हैं तो उसको कहा जाता है कायाकल्प तरु। बाप कहते कोई भी बुरा कर्म हो तो बताते रहो। बाबा जानते हैं कईयों से बुरे कर्म होते हैं। रावण राज्य है ना, माया चमाट मारती है परंतु छिपाते बहुत है। बाप कहते कोई भी भूल होती है तो बतलाने से आगे के लिए युक्ति मिलेगी, नहीं तो वृद्धि होती जाएगी। काम महाशत्रु है। बाबा को लिखते भी है बाबा माया का अपोजिशन बहुत होता है। सदैव तो किसका योग रहता नहीं है जो माया से बच सके। बाकी कर्मों का खाता भी चुकतु करके ही चलना है, कुछ योग बल से कुछ कर्म भोग से, कुछ किसी न किसी तरीके से चुकतु अवश्य करना है। डंडों से खाते को चुकतु करना यह तो बड़ी इंसल्ट की बात है।
डंडों के बजाय यह भोगना अच्छी है। सजाओं से भोगने में जरा कठिन होता है और इंसल्ट भी होती है। योग का भी बल मिलता जाएगा, ज्ञान का भी बल है, योग का भी बल है, धारणाओं का भी बल है। मुख से भी किसको ज्ञान धन दान करते हो, सेवा करते हो, तो यह भी कमाई है। जैसा निश्चय वैसा कर्म, वाणी में हर समय चेहरे पर रूहानी नशा दिखाई दे, हर कर्म संकल्प में विजय सहज प्रत्यक्ष फल के रूप में अनुभव होगी। अपने श्रेष्ठ भाग्य, श्रेष्ठ जीवन व बाप परिवार के संबंध संपर्क द्वारा 1% भी संशय, संकल्प मात्र भी नहीं होगा। क्वेश्चन मार्क समाप्त। हर बात में बिंदु बन बिंदु लगाने वाले होंगे। निश्चय बुद्धि हर समय अपने को बेफिक्र बादशाह, सहज और स्वतः अनुभव करेंगे। ब्रह्मा बाप तो सदा आदि से तुरंत दान महापुण्य इस संस्कार को साकार रूप में लाने वाले रहे। करेंगे, सोचेंगे, प्लान बनाएंगे, यह संस्कार कभी साकार रूप में देखें? अभी अभी करने का महामंत्र हर संकल्प और कर्म में देखा ना, उसी प्रमाण बच्चों से भी क्या आशा रखेंगे? समान बनने की आशा रखेंगे ही ना। सबसे पहले मधुबन वालों के आगे रखते हैं। मधुबन सबसे बड़ा शोकेस है, परिवार का प्रत्यक्ष सैंपल, कर्मयोगी का प्रत्यक्ष सैंपल, अतक सेवाधारी का प्रत्यक्ष सैंपल, वरदान भूमि के वरदानी स्वरूप का प्रत्यक्ष सैंपल कौन है? मधुबन निवासी है ना। यह जो महाभारत लड़ाई है, इनकी भी ड्रामा में नोंद है। यह भी अभी अभी निकले हैं, आगे थोड़े ही थे। 100 वर्ष के अंदर सभी हो जाते हैं। संगम युग के कम 100 वर्ष चाहिए ना। सारी दुनिया नई बननी है। ओम शांति।